नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आप देख सकते हैं अभी गलियों में जो पानी वगैरह है काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि कल रात को हुई है काफ़ी ज़्यादा बारिश। बिजली वगैरह ऐसी कड़की है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, बहुत बिजली कड़की है। और हमारे भोपाल में कोलार के आसपास एक व्यक्ति स्कूटी से जा रहा था अपनी, और उसके ऊपर गिर गई भाई बिजली, तो काफ़ी बेकार हादसा हुआ है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर अपनी गाड़ी, अपनी टियागो के ऊपर अगर ऐसे बिजली गिर जाए तो क्या होगा। मतलब केवल टियागो ही नहीं, किसी भी कार के ऊपर अगर बिजली गिरती है तो क्या होता है, क्या कार एक सेफ ऑप्शन है बिजली के दौरान। तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, सो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली चीज़ तो आप किसी ऐसी बिल्डिंग के आसपास चले जाएं जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो एंटीना है, मतलब जैसे टावर वावर है, वैसा कुछ मिल जाए। अगर वैसी बिल्डिंग भी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो सरिये हैं वो हर बिल्डिंग में जो छोटे मोटे रहते हैं वो निकले हुए रहते हैं, तो वो बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और उसे ग्राउंड कर देते हैं। लेकिन अगर वैसा भी ऑप्शन आपके पास नहीं है ऐसा, तो गलती से भी जो पेड़ हैं उनके नीचे अपनी गाड़ी को खड़े ना करें, क्योंकि जो पेड़ हैं वो बिजली से गिर भी सकते हैं आंधी तूफान में। आपको कुछ ग्राउंड में, मतलब खुले ग्राउंड में आपको अपनी गाड़ी को खड़ी करना है। और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी पर बिजली गिरती है तो आपकी गाड़ी एक केज की तरह काम करती है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में बताता हूँ कि माइकल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करी थी फेराडे केज के बारे में। तो फेराडे केज क्या होता है, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल एक मेटल की शीट होती है, और मेटल की शीट के अंदर कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर उस मेटल की शीट के ऊपर अगर आप कोई भी करंट को अगर फ्लो कराएंगे या उसके ऊपर कुछ करंट पास कराएंगे तो बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उस तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जो करंट है वो नहीं पहुंच पाएगा। सो सेम आपकी जो गाड़ी है वो भी फेराडे केज की तरह उस वक्त काम करती है। क्या काम करती है कि जो आपका जो चेसी है इस पर तो करंट जाएगा, लेकिन बीच में अगर आप कुछ सेफ्टी से बैठे रहेंगे तब आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कैसे बैठना है उस समय आपको, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन दे करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बैठते समय जो इसने इस तरीके से जो पैर अभी नीचे कर रखे हैं इन्हें तो सबसे पहले ऊपर करना है, ठीक है। जैसे ही सबसे पहले पैर ऊपर हो जाएं, फिर उसके बाद इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो आपकी गाड़ी की आउटर लेयर है, जैसे कि डोर वगैरह या स्टेयरिंग वगैरह, जो भी मेटल वाला पार्ट है, इवन प्लास्टिक वाला भी पार्ट है, तो उसे आप टच ना करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी टच नहीं हो रहा है, उन्हें टच नहीं करना है, आपको केवल अपनी सीट से कांटेक्ट रखना है, और जो आपके हाथ है वो आपकी गोद में होने चाहिए कुछ इस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, और भी अगर आप सेफेस्ट ऑप्शन के लिए जाना चाहें तो आप रियर सीट पर जो बीच वाली जगह है वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा ऐसे समय पर। तो अगर आप कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी में बैठते हैं तब आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और फिर जैसे ही अगर जो तूफान है, जो भी थंडरस्टॉर्म है, वो अगर चला जाता है, तब आपकी गाड़ी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मैंने नॉर्मल कंडीशन वाली बात करी कि जब छोटी मोटी बिजली आपकी कार के ऊपर गिरती है तो वो नॉर्मली आपकी कार जो है बाहर बाहर स्प्रेड कर देती है और उसके बाद नीचे भी चली जाती है। अभी कई लोगों को क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई नीचे कैसे जाती है, जो रबर का मटेरियल है, जो टायर है, और ये तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसका एक बैड कंडक्टर होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस रबर के मटेरियल को भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओवरकम कर लेती है इस समय में, और भी अगर काफ़ी ज़्यादा अगर चार्ज है तो वो आपके प्लास्टिक वगैरह जो है ना वहाँ पर भी चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको जो प्लास्टिक मटेरियल है उन्हें भी टच नहीं करना है ऐसी कंडीशन में, या तो आपके टायर के ऊपर से जो बिजली है वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगी। अगर नहीं हो पाती तो वो आपके टायरों को पिघला करके प्रॉपर जो आपके रिम के थ्रू ग्राउंड होगी, लेकिन वो होगी ही होगी किसी भी कंडीशन में। और जो 80% चांस है आपके कि आप अपनी गाड़ी के अंदर सुरक्षित बच जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उन्हें नुकसान पहुँच सकता है, और जो वायर्स हैं वो पिघल सकती हैं, जो आपका जो पेंट है ऊपर की तरफ गाड़ी का, या जो भी आप मेटल की शीट जिसे आप बोलना चाहो, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गिरी तो यहाँ पर जो
काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो आपकी गाड़ी को पहुंच सकता है, और साथ ही साथ अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आपके फ्यूल टैंक जो है वो भी हीट हो सकता है, जो पेट्रोल है वो आग पकड़ सकता है और ओवरऑल आपकी गाड़ी जल भी सकती है। तो कुछ अगर ज़्यादा ही तेज़ कंडीशन है तो आप अपनी गाड़ी को छोड़ें और जितनी जल्दी हो सके किसी बिल्डिंग के अंदर पहुँचने की कोशिश करें जहाँ पर कि आप पूरी तरीके से सेफ़ हो। तो बाकी भाई यही था कि जब आपकी गाड़ी के ऊपर बिजली गिरती है तो क्या होता है, आपकी गाड़ी कितनी आपके लिए सेफ़ है कितनी नहीं है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आपको सामने स्क्रीन पर पॉपअप भी शो हो रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।